अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे दोस्त कला खान की जानिब से एक दावत का एहतमाम किया गया है और फार्म हाउस में पिकनिक का जो है एहतमाम किया गया है। तो इसी हवाले से बकरा लेने आए हम। ये बकरा जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बकरा अब ज़िबा होगा और इसके मज़ेदार रोश जो हैं रोश बनेंगे। ये हम अब हवाला करेंगे हमारे दोस्त हैं मुसव्विर खान, ये रोश की तैयार करेंगे। इस वक्त 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा है और हम निकल चुके हैं फार्म हाउस की जानिब। फार्म हाउस जो है ये जिस फार्म हाउस हम जा रहे हैं क्रिस्टी फार्म हाउस, ये गडाप में है। कराची से कोई 1.25 घंटा का रास्ता हमें सोहराब गोड़ से लगेगा। तो इस वक्त हम स्कीम 33 से निकल चुके हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम कराची हैदराबाद रोड पर हैं और इस वक्त गडाप मोड़ पहुंच चुके हैं। गडाप मोड़ से हम लेफ़्ट टर्न करेंगे। जी दोस्तों, इस वक्त हम गडाप में जा रहे हैं और फार्म हाउस का जो रास्ता है इस हवाले से कुछ कन्फ्यूजन थी, तो यहाँ हम रुक कर यहाँ के जो मकामी कुछ अफराद हैं उनसे एड्रेस कंफर्म कर रहे हैं और इन्होंने कंफर्म किया है कि जो हमारी मंजिल मकसूद है या जो फार्म हाउस जहाँ हम जा रहे हैं तो बिल्कुल सामने है। जी तो रास्ते में रुककर हमने कुछ फल फ्रूट आम वगैरह उठाए हैं। जी तो हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर, क्रिस्टी फार्म हाउस गडाप में। इस वक्त हम अंदर जाएंगे। इंतहाई खूबसूरत और लग्जरियस किस्म का फार्म हाउस हम पहुंच चुके हैं इस वक्त, तो आप हमारे साथ रहें, आपको दिखाते हैं कि फार्म हाउस में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या इसमें हम इंजॉय करेंगे, उसके लिए आप हमारे साथ रहें। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम स्विमिंग पूल के एरिया में पहुंच चुके हैं। तकरीबन 6 फीट इसकी डेप्थ है स्विमिंग पूल की, और पानी तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत शफाफ और साफ शफाफ पानी और ठंडा। इसमें अब हम नहाएंगे और ये एक छोटा सा स्विमिंग पूल बच्चों के लिए बनाया गया है, लेकिन बच्चे तो हमारे साथ चूँकि है नहीं,
तो हम उसी बड़े जो स्विमिंग पूल है उसी में ही नहाएंगे। जी दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं कि फार्म हाउस के अंदर ही जो रूम्स बने हुए हैं, ताकि अगर कोई फैमिली के साथ आना चाहे या फिर यहाँ रात का स्टे करना चाहे तो 3-4 बेडरूम भी यहाँ बने हुए हैं, और किचन भी है, और ड्राइंग रूम भी बहुत खूबसूरत किस्म का बना हुआ है। स्विमिंग वगैरह से फारिग होने के बाद कुछ दोस्त जो हैं वो लूडो खेल रहे हैं, और कुछ दोस्त वो ताश खेल रहे हैं, तो कुछ जो दोस्त हैं वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और कुछ जो लोग हैं वो इस वक्त डब्बू जो कैरम बोर्ड है वो खेल रहे हैं। दोस्तों, रात 11 बजे का टाइम है और सबको इंतहाई ज़ोरदार किस्म की भूख लगी है। इस वक्त फिर खाने का टाइम हो चुका है। खाने में जैसे कि आपको मालूम है कि रोश तैयार है, आप देख सकते हैं, रोश के साथ दाल है
और पुलाव भी जो हम तैयार करके लाए हैं। तो इस वक्त डिनर का टाइम है। दोस्तों रात 2 बजे का टाइम है और हमारी वापसी हो रही है। काफ़ी थक भी चुके हैं लेकिन बहुत एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। लेकिन हमारे चैनल बलूचिस्तान डायरी व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।